चलिए नमस्कार। हाँ, तो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था दाज्यू नाम की कहानी। तो दाज्यू यानी बड़े भैया, तो ये जगदीश बापू है, वह उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा जिले से हैं, और ये हमारा मदन, ये भी वहां का उत्तराखंड और अल्मोड़ा जिले से। उसका नाम, गांव का नाम बड़ा विचित्र है, टोटियानगर हमने देखा था उस गांव का, बड़ा विचित्र नाम था भोटियालगो। ये बोलने में वह संकोच कर रहा था, ये विचित्र संज्ञा की गांव के नाम, तो ये इस कारण संकोच करता था, बता नहीं पा रहा था। लेकिन बता दिया तो जगदीश बाबू ने, जगदीश बाबू का मानो अकेलापन दूर हो गया और मदन को भी मानो दादजी यानी बड़े भैया मिल गया, दोनों का अकेला पर दूर हो गया है, घुल मिल गए हैं। और ये मदन है, उसकी हर एक बात, हर एक वाक्य दाज्यू के बिना शुरू ही नहीं होती। दाज्यू शब्द तो उसमें आता ही है, कंपलसरी है, हर बात में दाज्यू दाज्यू कहकर पुकारता। अब आप जानते हैं कि जगदीश बाबू ये पढ़े लिखे हैं, शायद सरकारी मुलाजिम है वहां दिल्ली या बड़े शहर में काम करते हैं, तो यहां कैफे में वह दाज्यू दाज्यू पुकारता है। तो कुछ दिनों के बाद, अब कहानी, मैंने कहा था कहानी एक अगले मोड़ पर जा रही है, कुछ नया होने वाला है, क्या होने वाला है आपने पढ़ा। तो देखिए कि कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का ये एकाकीपन है दूर हो गया, मानो उसे अपने वतन अल्मोड़ा जिले का ये बदन मिल गया, तो अकेलापन तो दूर हो गया। अब उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। ये अपनेपन के रंग में रंगना यानी बहुत घनिष्ठता होना, ये सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लग रहा, तो उसे लगने लगा है। परंतु अब उन्हें ये बार बार जो ये दाज्यू कहलाना, ये अच्छा नहीं लगता। बार बार वह कहता है कि मदन जो है उसे दाज्यू कहकर ही पुकारता है। अब दाज्यू का अर्थ तो बड़े भैया होता है, कैफे में या होटल में रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और कोई आपको बड़े भैया कहकर पुकारे, तो बाकी जो बैठे हैं ग्राहक कैफे में, उससे कैसा लगेगा? उससे लगेगा कि ये उसका बड़े भैया है और छोटे भैया को यहाँ काम करने भेज दिया और खुद यहाँ खाना खाने आता है, शायद मुफ्त में मिलता होगा इसलिए। तो ये बड़े भैया ऐसे कपड़े पहनता है और ये यहाँ काम करता है, मजदूरी करता है, इतना छोटा सा लड़का। तो ये बार बार दाज्यू कहलाना अब उसे अच्छा नहीं लगता। और ये मदन था कि दूसरी टेबल से भी, दूर से भी देखकर पुकार लेता है दाज्यू, तो बाकी वहां के लोग तो समझते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो एक बार की बात है, उसने दूसरे दूर की टेबल से पुकारा होगा दाज्यू, तो जगदीश बाबू ने उसे बुलाया, मदन इधर आओ। मदन को पुकारा, मदन कहता बाकी सब हम जो है वह ये उसे बॉय कहते, वेटर को बॉय कहकर पुकारते बुलाते, तो उस वे तो जानते हैं, इसलिए कहा मदन इधर आओ। आया दाज्यू, अब दाज्यू शब्द सुनना ठीक नहीं लगता जगदीश बाबू को, फिर भी उसने कहा आया दाज्यू। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर यह जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार है ना, वह जाग उठे। ये मध्यम वर्गीय संस्कार, क्योंकि ये मध्यम वर्ग का आदमी है, ज्यादा पैसे वाला नहीं है, धनवान नहीं और गरीब भी नहीं, तो मध्यम वर्गीय संस्कार ये थोड़े अलग होते हैं दूसरे संस्कारों से। उसे तो बहुत कुछ अपनी इज्जत आबरू बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, सबसे ज्यादा जो पीसता है तो ये मध्यम वर्ग, तो अपनी इज्जत आबरू के लिए ज्यादा सचेत रहता है।
तो ये मध्यम वर्गीय संस्कार उसके जाग उठे और अपनत्व की जो पतली डोरी थी ना, ये डोरी ये अहम नाम की तेज धार के आगे नहीं टिक सकी। अंडरलाइन कीजिए, पूरा वाक्य है, दाजू शब्द की आवृत्ति पर जब कृष्ण बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार ये जाग उठे और अपनत्व की जो पतली डोरी थी, अपनापन लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही पतली डोरी थी, तो उस पतली डोरी पर अहम नाम की एक तेज धार उसके आगे ये अपनत्व की पतली डोरी नहीं टिक पाई। इसका अर्थ ये रहा, ये हुआ कि ये अहम है जो उनका, वह पढ़ा लिखा है, शायद सरकारी मुलाजिम है, उसका अहम, अहम का कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, ये मुझे दाज्यू कहे, ये ठीक नहीं। तो ये अहंकार उसके आगे ये अपनत्व नहीं टिक पाया। जहां अपनत्व बनाया था कि भाई उत्तरांचल का है, मेरे प्रदेश का है, अल्मोड़ा जिले का है, उसका गांव जो है टोटिया लगो, उसके पास ही मेरा गांव है, ये सारा अपनत्व अब नहीं टिक पाया, ये अहंकार के कारण। तो ये उसकी तेज धार के आगे ये टिक नहीं सका अपनत्व। अब उसने पुकारा, बदल इधर आओ, तो उसने कहा आया दाजू और बोला, फिर क्या बोला, दाजू चाय लाओ। देखिए हर एक वाक्य में दाजू तो आता, दाजू चाय लाओ। तो जगदीश बाबू ने कहा भाई चाय नहीं, चाय नहीं, लेकिन वह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर, क्या कहा चाय नहीं, लेकिन यह जो दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं रहे, नहीं है तुम्हें प्रेस्टीज, इंग्लिश शब्द है प्रेस्टीज, इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू, कीर्ति, ये सारे सवाल आते हैं जैसे, तो किसी की प्रेस्टीज का भी तुम्हें ख्याल नहीं है, इज्जत आबरू है, यहां मेरी प्रतिष्ठा है, मैं इस कैफे का प्रतिष्ठित ग्राहक हूं, पढ़ा लिखा हूं, सरकारी मुलाजिम हूं, यह उसकी प्रेस्टीज होगी, उस शहर में दूसरे लोग देखते हैं, वहां दूसरे ग्राहक भी कैफे में होंगे ना, बैठते होंगे, आते होंगे, वे सब रोज सुनते होंगे कि इसका बड़ा भैया, बड़े भैया और ये छोटे भैया उसे यहां काम पर लगाया, खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, सिगरेट पीता और यहां उसका छोटा भाई मजदूरी करता, लोग तो ऐसा ही सोचेंगे, सुनकर तो ऐसा ही लगेगा, तो उससे उसका अहंकार, ये उसकी झूठी बनाई हुई प्रतिष्ठा, तो उसके बारे में कहता है कि किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। अनपढ़ लड़का हमारा मदन, जिसे लोग तो बॉय कहते हैं मदन, ये मदन ये पढ़ा लिखा नहीं है, उससे ये प्रेस्टीज शब्द का अर्थ मालूम नहीं। प्रेस्टीज आपने जो सुना, प्रेस्टीज टीवी की एड में भी आता है ना, जो बीबी से करे प्यार प्रेस्टीज से किसे करे इनका, तो ये प्रेस्टीज थी, लेकिन यहां प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा, तो ये प्रतिष्ठा की बात, तो उसने जो कह दिया कि किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें, और ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर दिन रात, ये दो बात, एक बात तो समझ में आई कि दाजू दाजू दिन रात क्यों चिल्लाते रहते हो,
और दूसरी बात समझ में नहीं आई, किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं आया है तुम्हें। कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके चेहरे पर दिखाई देता है, उसके शब्द बोलने का जो ढंग है, उसका टोन है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, चेहरे पर जो हाव भाव है वो बदल जाते हैं, तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हुआ है, गुस्से में। कोई हंसता है तो हमें उसे देखकर पता चलता है कि ये प्रसन्न है, खुश है। तो ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन, उसे पढ़ना, उसे देखकर समझ जाना। अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो पढ़े लिखे नहीं है वह भी समझता, जो बोल नहीं पाते हैं वह भी समझता, जो सुन नहीं पाते वे भी समझते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी आया होगा उनके चेहरे पर, ये कहते के यहां लिखा नहीं है लेकिन होगा जो। तो जगदीश बाबू का मुंह देखिए, क्रोध के कारण तम तमा गया, ये मुंह तम तमाना यानी क्रोध से चेहरा लाल हो जाता, एक्सप्रेशन आया देखिए यहां लिखा कि क्रोध के कारण उनका चेहरा लाल हो गया। अब चेहरा लाल हो जाता है वह अलग अलग कई कारणों से होता है, कोई क्रोधित होता है तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, कोई लड़की शर्मा जाती है ज्यादा तो उनका चेहरा भी लाल हो जाता है। तो यह टोन सुना है ना, शब्द सुने हैं कि क्रोधित है, गुस्से में बोले तो उनका चेहरा तमतमा गया, लाल हो गया, क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अपना अधिकार नहीं रह सका। अब शब्दों पर अधिकार होना चाहिए हमारा, हम क्या बोले क्या न बोले सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक बार मुंह से शब्द निकल गया फिर आप उसे पकड़कर वापिस नहीं ला सकते, उसे इरेजर से मिटा नहीं सकते, वापिस खींच भी नहीं सकते। चलो ये मैं वापिस खींच रहा हूं, सामने वाला ने सुन लिया तो परिणाम जो होना था वही होगा। एक बार शब्द निकल गया तो दो बार सोच कर बोलना चाहिए। तो अधिकार नहीं रहा शब्द पर, ये मदन जो है प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि कार्यालय या ऑफिस की ये भाषा है प्रेस्टीज, वहां शायद बोलते होंगे ये जगदीश बाबू, लेकिन यहां बोल दिया है प्रेस्टीज, उसका अर्थ ये अनपढ़ मदन समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा यह भी ख्याल नहीं रहा जगदीश बाबू को। पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था। कोई क्रोधित होता है उनका चेहरा लाल हो जाता, उनकी आवाज ऊंची हो जाती है, टोन बदल जाता, तो सामने वाला अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, क्रोधित है। ये गोरे लोग हैं ना, ये क्रोधित होते ना तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि उनका चेहरा लाल नजर तुरंत आ जाता है हमें। अरे केरलावासी भाई, उनका पता नहीं चलता वे क्रोधित हुए हैं नहीं हुए। तमिलनाडु वाले भाई, उनका भी पता जल्दी से नहीं लगता। कश्मीर वाले का तुरंत ही पता चल जाता है, आप जानते हैं क्यों? तो यहां ये तो पहाड़ी इलाके वाला है जगदीश बाबू, तो उनका चेहरा लाल हो गया, साफ नजर आता। तो ये क्रोधित हो गए हैं जगदीश बाबू कि ये प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा नहीं समझ सकेगा, लेकिन मदन तो बिना समझाए सब कुछ समझ गया था चेहरा देखकर। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। ये जो कहा ना, क्या असर पड़ा उनके मन पर, देखिए बाल मन पर क्या असर हुआ। तो ये शब्द सुनकर उनके व्यवहार से गहरी चोट लगी,
देखिए उसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ। बाल सहज ये सब होता है, बच्चे वह अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे देते हैं बाल मन को समझना चाहिए। देखिए उस बच्चे ने क्या किया, मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बनाकर वह घुटनों के सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर होता रहा। मैनेजर से छुट्टी ली कि मेरा सिर दर्द हो रहा, काम नहीं कर पाऊंगा, और अपनी कोठरी थी वहां कैफे था उसके आजूबाजू या ऊपर वेटरों के लिए कोठरी दी गई होगी तो वहां चला गया और घुटने मोड़ कर उसमें अपना सिर रखकर सिसकिया भर भर कर रोया। क्या बोलते हैं हमारे गुजराती, हिबका भरी भरी ने रड़ी एकलो एकलो कौन इन्हें छानो रहा कोई नने। ये जगदीश बाबू ने कई जवाब पण आपी शके एम नथी, एमां तो एने पोताना मोटा भाई नुं स्वरूप निहाळे बहु लागी आवी छे। ए लागणी छे बनीने एकलो एकलो पोतानी रूममां बेसीने रड़े छे। तो ये सिसकिया भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का ये जगदीश बाबू के प्रति जो आत्मीयता प्रदर्शन था वो तो बहुत स्वाभाविक ही था। हमारे गुजराती में कहावत, पियर कूतरो वालू लागे, स्त्री हो बारगाम शास्त्रे हो पोताना गाम नो कोई पण व्यक्ति बनी जाए तो आनंद में आवी जाए। आवारा पियर ना छे, भले पछी पियर माए रहता हो त्यारे बोलता ही ना हो बोलावता ही ना हो, पण बारगाम जारे मळी जाए त्यारे आपणे गुजरातीओनी खासियत छे, आपणे बहार जईए ने त्यारे आपणे आपणानुं महत्व समजाय छे। आम तो माणस मात्रनो आ स्वभाव छे, पण गुजरातीओनुं उदाहरण आपुं छुं के तमे राजस्थान जाओ के दिल्ली जाओ त्यां कोई गुजराती मळी जाए तो तमने बहु आनंद थाय। साउथ માં જાઓ તો પણ એવું લાગે, ક્યાં તો એવું બને સાઉથ માં કે કોઈ હિન્દી બોલનારો મળી જાય તો એ આપણો લાગે હો, કારણ કે કોઈ હિન્દી બોલનારો ન મળે કેરલા તમિલનાડુ માં। તો આ માણસ માત્રનો સ્વભાવ છે કે ઊટીકુ લાગે પોતાની ભાષા બોલનારો એ સ્વજન જેવું લાગે। તો આ તો પોતાના પ્રદેશનો પોતાના નજીકના ગામનો છે અને મોટા ભાઈ સમાન એને માને છે, તો ઉસકે પ્રતિ આત્મીયતા પ્રદર્શન એ તો બહુ સ્વાભાવિક હી થા। ઓર ઇસી કારણ આજ યે પ્રવાસી જીવન મે પહેલી બાર ઉસે લગા જૈસે किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया। प्रवासी जीवन कई दिनों से कई महीनों से शायद यहां रहता मगर अकेला इतना छोटा बच्चा 9-10 साल का लड़का घर परिवार छोड़कर आया। हमारे यहां तो इतना छोटा लड़का सिटी में से गांव में भी नहीं जा सकता, बाजार में नहीं जा सकता अकेला, तो यहां तो बड़े शहर में आ गया है मजदूरी करने, वहां उसका कोई नहीं है। तो पहली बार उसे इतना आघात लगा कि मानो उसकी माँ जो है ईजा यानी माँ उसकी गोदी से किसी ने खींच लिया हो, बाबा की बाहों से खींच लिया हो, उनके पिताजी की बाहों से किसी ने खींच लिया हो, दीदी के आंचल की छाया से किसी ने बलपूर्वक उसे खींच लिया हो, ऐसा महसूस हुआ तो वहां से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी न होना तो ऐसा लगा ऐसा होता। भावुकता हमेशा स्थायी नहीं होती, हम संवेदनशील हो जाते भावुक बन जाते, थोड़ी देर ऐसा लगता रोते हैं रो लेते
लेकिन ये रो लेने के बाद हमारी भावुकता समाप्त हो जाती, ये हमेशा नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती। ये अच्छा है, वरदान है हमारे लिए, कोई दुख लगा है तो थोड़ी देर हम रो लेते, लेकिन इसके बाद दुख को भूल जाते या मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उस दुख का सामना करने का, उनके प्रति हम भी कठोर बन जाते, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं मन ही मन और रोना बंद कर देते। और भावुकता जो ऐसी स्थायी नहीं है तब ऐसा होता, यदि ये बस स्थायी रह गए, हम रोते ही रहे भूल नहीं पाएंगे, हमारा दुख कम नहीं होगा, ये तो वरदान है, हम भूल जाते हैं। और बच्चे तो जल्दी से भूल जाते हैं, हम बड़े हैं ना, बड़े ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी से भूल नहीं पाते, कोई कोई तो जीवन भर याद रखता है, यही दुश्मनी है, ये शत्रुता, उसे मन में पालना नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, जो माफ करता है ना वही सबसे सुखी है। तो यहां ये तो छोटा बच्चा है, रो लिया बस, रो लेने पर अंतर की जो घुमड़ती वेदना, वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है ना वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेक पूर्ण होता है। अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा वाक्य, साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हमारे मन में हमारे अंतर में ये जो उमड़ती हुई वेदना है वह आंखों के द्वारा आंखों की राह के द्वारा बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है, वो लेने के बाद जो निश्चय करते हैं वह निश्चय कैसा होता है तो वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेक पूर्ण होता है। ये निश्चय भावुक बनकर जो निश्चय करते हैं वह सही नहीं होता, क्योंकि हम भावुक बनकर निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं, ये ठीक नहीं गलत होता, लेकिन रोने के बाद जो हमने निश्चय किया है वह बड़ा विवेक पूर्ण निर्णय होता है। तो उसने रो लिया भावुक बनकर आंसू बहा लिए, और बहा लेने के बाद मन ही मन मदद ने निश्चय कर लिया। अब क्या निश्चय कर लिया, देखिए कि मदन अब पूर्ववत काम करने लगा, वह दिन तो बीत गया, दूसरे दिन की बात, पूर्ववत पहले की तरह वह काम करने लगा। दूसरे दिन एक कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। ये जगदीश बाबू है, उसका एक मित्र है, ये नाम हमें याद रखना होगा, हेमंत जिसका नाम है वह जगदीश बाबू का सहपाठी। ये सहपाठी का अर्थ होता है साथ साथ पढ़ने वालों, बचपन से पढ़ रहा है, ये बचपन का सहपाठी, यानी प्राइमरी से उसके साथ पढ़ता होगा, बचपन का दोस्त सहपाठी। तो ये सहपाठी हेमंत से उसकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई उनकी, रास्ते में जगदीश बाबू जा रहे थे कैफे में और रास्ते में मिल गया हेमंत। तो कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, दोनों आए कैफे में, ये जगदीश बाबू और हेमंत दोनों आए और इशारा करके बुलाया, जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया, इशारा किया, परंतु उन्हें लगा कि जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, पहले ऐसा नहीं होता था, जगदीश बाबू को आते देखकर तुरंत वहां पहुंच जाता और पूछ लेता चाय लाओ बाबूजी, ऑर्डर नहीं देना पड़ता, यहां तो बुलाना पड़ा है, और बुलाने पर भी ऐसा लगा जगदीश बाबू को कि ये जो मदन है उससे दूर दूर जाने का प्रयत्न कर रहा, दूसरे काम में लग जाता, पहले ऐसे नहीं होता था, प्लेटें उठा रहा होता था और जगदीश बाबू को देखकर तुरंत उसके
सामने आ जाता, प्लेट उठा ली, फुर्ती से काम कर लेता और जल्दी से उसके सामने आ जाता। आज ऐसा लगा कि वह दूर दूर जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। दूसरी बार बुलाया, ये दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज पहली बार ऐसा हुआ, दूसरे दिन की बात, ये दिन तो चला गया कि जहां वो भावुक बनकर रोया, लेकिन आज दूसरी बार बुलाना पड़ा, दूसरी बार बुलाने पर मदन वहां आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान नहीं थी, ये मुस्कान गायब हो गई है। देखिए ये कितनी बड़ी चोट लगी है उसके मन पर, भावुक मन पर, कि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और न ही उसने ऐसा कहा क्या लाऊं दाज्यू। हर एक बार हर एक वाक्य में दाज्यू आता था, लेकिन आज वो नहीं बोला ऐसा क्या लाऊं दाज्यू। और ऐसा नहीं कहा, स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, ऑर्डर देना पड़ा, सामने से कहना पड़ा कि क्या ऑर्डर दिया उसने, दो चाय दो आमलेट, ये ऑर्डर किया उसने, दो चाय उसके साथ दो आमलेट, तो ये ऑर्डर किया उसने। परंतु तब भी वह बदन ऐसा नहीं बोला लाया राजू, ऐसा नहीं कहा उसने। देखिए ये परिवर्तन, देखिए कितनी गहरी चोट लगी है उसके मन को, मानो ये संबंध, ये दाजू, ये बड़े भैया, ये संबंध टूट गया। अब वे बड़े भैया उसके लिए नहीं है, उसने मन से निकाल लिया, मन को कठोर बना लिया। तो ऐसा नहीं बोला लाया राजू, परंतु तब भी लाया राजू कहने की अपेक्षा ऐसा बोला, क्या बोला, लाया साहब। ये साहब शब्द तो है, मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि हर बार अंत में साहब बोलना, ये साहब शब्द है, ये पहाड़ी लोग बोलते हैं, हमारे यहां नेपाली बोलते, ये भी पहाड़ी इलाका, तो ये साहब खास तरीके से बोला जाता है, वे बोलते खास तरीके से, तो उस तरीके से पता चलता है कि ये आदमी यहां का नहीं है, पहाड़ी इलाके का। और जो पहाड़ी है वे तो जान ही लेते हैं कि ये हमारे इलाके का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी के शब्दों से आप उसे पकड़ लेंगे कि ये आदमी कहां का है, किस इलाके का। जैसे हमारे यहां अगर कोई गुजराती में बोलता है, गुजराती में वगा वगा ज्ञान मंजरी पहुंचो, तो हम उसे पहचान लेते हैं, खास करके तलाजा तहसील उस इलाके वाले तो पहचान लेंगे, तलाजा इलाका है जिनका वे पहचान लेंगे कि ये प्राणी तो हमारे इलाके का है, क्योंकि वह बोलता है वगा वगा। तो ये प्रादेशिकता आ जाती है, गुजराती बोलते हैं लेकिन ये अलग अलग बोली होती है। तो यहां साब जो बोलना है, ये बार बार शब्द के अंत में साब कहकर पुकारना, ये पहाड़ी लोग करते। तो उसने कहा ना लाया साब, लाया राजू नहीं कहा इस बार, वह बोला लाया साब। इतना कहकर वह चल दिया, उसने इतना ही कहा लाया साब, मानो दोनों अपरिचित। ये मदन आया है, सॉरी ये हेमंत आया है जगदीश बाबू का, तो ये जगदीश बाबू जो है और ये मदन है हमारा, दोनों मानो अपरिचित हो, कोई संबंध ही ना हो, एक दूसरे को पहचानते ही ना, ये दोनों के बीच मानो कोई संबंध ना हो। ये बॉय है वेटर और ये कोई सरकारी मुलाजिम, ऐसा व्यवहार कभी हो रहा है। हेमंत को तो ऐसा ही लगेगा कि ये दूसरे को जानते ही नहीं, नाम से नहीं बुलाया, दाजू भी नहीं कहा। लेकिन एक हेमंत की मैं बात बता दू, ये हेमंत जो है वह भी उस इलाके का है, अल्मोड़ा उत्तरांचल, ये जगदीश बाबू का सहपाठी रहा, बचपन से सहपाठी रहा, यानी उसी के गांव का होगा, बचपन में दोनों साथ पढ़ते थे,
बचपन से सहपाठी रहा, तो उसी गांव का होगा ये जो जगदीश बाबू का गांव हो, तो उसी इलाके का उसी गांव का है। तो वह भी सुनकर तो समझ जाता है कि ये जो बोला कि लाया साहब, ये शब्द अंत में साहब आया कि सुना हेमंत। तो हेमंत ने सुनकर पहचान लिया कि ये भी हमारे इलाके का है, पहाड़ी। तो वह तो चला गया इतना कहकर लाया साहब, तो शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा, स्वाभाविक पूछा कि ये भी पहाड़िया है, पहाड़िया है यानी पहाड़ी विस्तार, वहां का रहने वाला जहां पर हम है ये भी पहाड़िया है। तो अनुमान लगाकर पूछा जगदीश बाबू से, हेमंत ने पूछा तो जगदीश बाबू ने हाँ ऐसा रूखा सा उत्तर दे दिया, हाँ बस मैं जानता हूं, ये नहीं कहा। उसके गांव का नाम मदद के गांव का नाम डोटिया लगो है और ये लड़का जो बॉय है उसका नाम मदन है, मैं उसे जानता हूं, ये बात ही नहीं बताई। उसने रूखा सा उत्तर दे दिया हाँ। और जगदीश बाबू ने ये वार्तालाप का विषय ही बदल डाला। कोई कोई ऐसा करते हैं कि उसे अच्छा न लगे, अप्रिय बात लगे या उसके बारे में कुछ बताना न चाहे, उसे पसंद नहीं है वह बात, तो दूसरे विषय पर बातचीत करने लगते हैं। हम पूछते हैं इस विषय में और दूसरे विषय के बारे में बातचीत करने लगते। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसने विषय बदल दिया वार्तालाप का, दूसरे विषय पर बात करने लगे। यहां तो यह पूछ रहा था कि शायद पहाड़िया, हां इतना ही उत्तर दिया और दूसरे विषय पर बात करने लगे, मदन के बारे में आगे बात नहीं की। तो मदन चाय ले आया था, ऑर्डर किया था दो चाय दो आमलेट, तो ये लेकर आया था, चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? देखिए ये बहुत ही स्वाभाविक हम करते आ रहे हैं, खास करके किसी को अच्छा लगे, ये मनुष्य स्वभाव, ये भी साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान, किसी को अच्छा लगे ना इसलिए हम उसे पूछते हैं। खास करके हम बड़े पद पर, हम पढ़े लिखे, हम पैसे वाले धनवान हैं, तो ऐसे छोटे छोटे आदमी व्यक्तियों के बारे में पूछताछ करते और उसे भी अच्छा लगता। तो यहां ये पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है मदन भी, सॉरी हेमंत, उसने स्वाभाविक एक वेटर को जैसे पूछते हैं वैसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने उसे एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, ऐसा लगता है उपकार करता हो, मानो अच्छा लगता हो सामने वाले को, कोई बड़े बड़े व्यक्ति से पहचान हो, वेटर को तो अच्छा ही लगेगा। तो कोई नाम वहां पूछता नहीं, उसे बुलाता भी नहीं, तो यहां रस पूर्वक उसे बुलाया है तो एहसान चढ़ाने की गरज से मानो पूछा है कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के। तो कुछ क्षणों के लिए ये टेबल पर गंभीर मौन छा गया, टेबल पर तो बैठे हेमंत और जगदीश बाबू और मदन वहां सामने खड़ा, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर उसने नहीं दिया, कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। जगदीश बाबू तो जानते हैं उसका नाम, इस लड़के का नाम मदन है, उसे पता है, वह चाहते तो हेमंत को बता भी सकते थे कि भाई इसका नाम मदन है, उसका गांव का नाम डोटिया लगो है और मेरे गांव के पास ही उसका गांव, मैं इसे जानता हूं, ये मुझे दाजू कहता है, ये बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, मौन छा गया। मदन ने भी कुछ नहीं बताया, जगदीश बाबू ने भी कुछ नहीं बताया, और जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई, चाय की प्याली लेकर ट्रे में लेकर आया ये। तो
तो उस पर ये आंखें झुकी हुई रहेगी, यानी आंखें उठाकर भी वह देख नहीं पाता, नजर नहीं मिला सकते थे जगदीश बाबू मदन से। लज्जित हो गए, शर्म के कारण उनकी आंखें झुक गई, चाहे प्याली पर मानो ये आंखें स्थिर हो गई है। अब मदन की आंखों के सामने तो ये विगत स्मृतियां घूमने लगी। अब मदन की मानसिक स्थिति कैसी है देखिए। जब हेमंत बाबू ने प्रश्न किया कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के, तब उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। देखिए यहां लेखक लिखते हैं कि विगत स्मृतियां उसके सामने, उसकी आंखों के सामने मानो घूमने लगी, भूतकाल ताजा हो गया, ये घाव हरा हो गया। तो भूतकाल क्या था? तो भूतकाल ये था कि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही पूछना, एक बार पूछा था ना, पहली बार जब वे मिले थे तब उसने यही प्रश्न किया था कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा था मदन। तो ऐसे ही एक बार उसने प्रश्न किया था जगदीश बाबू का एक दिन, ऐसे ही नाम पूछना, फिर तो संबंध जुड़ गया था मेरा उसके साथ। फिर दादजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की वृष्टि का ख्याल नहीं रहा, ख्याल नहीं रहता तुम्हें। देखिए तीन वाक्य में सारी बातें बता दी। पहले भूतकाल की बात की कि भाई पहले प्रश्न किया ऐसे ही एक दिन नाम पूछना, फिर दूसरे आगे का वाक्य दादू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की वृष्टि का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। तीन वाक्यों में सारी घटना सारी कहानी आ गई। ये भूतकाल के चित्र एक के बाद एक ये मदन की आंखों के सामने घूमने लगे। तो ये भूतकाल खड़ा हो गया उनकी आंखों के सामने। अभी तो हेमंत ने प्रश्न किया है कि भाई क्या नाम है तुम्हारा लड़के, टेबल पर मौन छा गया। जगदीश बाबू आंखें उठाकर देख नहीं पाते मदन की ओर, उनकी आंखों मानो चाय की प्याली पर स्थिर हो गई, और मदन की मानसिक स्थिति कैसी है उनकी आंखों के सामने एक के बाद एक चित्र खड़ा हो गया। कि एक बार ऐसे ही पूछ रहा क्या नाम है, फिर वह संबंध जोड़ लेता है, बड़े भैया है मेरे, तो वह पूछ लेता है कि भाई आपने तो कल बहुत ही कम खाया और कल थोड़ा खाया और आज एक दिन क्या हो गया कि भाई किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तू। बस तो इस प्रकार चोट लग गई, आघात लगा है, ये चोट बड़ी गहरी है, बाल मन पर ये इतना प्रहार करती है कि वह भूल नहीं पाता, उसका व्यवहार बदल गया है। देखिए परिवर्तन आया, हमारे मन को चोट लगती है तो हमारे उसका असर हमारे व्यवहार में पड़ता, हमारा वर्तन में परिवर्तन आ जाता। तो ये सारे चित्र उनकी आंखों के सामने मानो खड़े हो गए, और जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा, उन्हें लगा कि जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फटना, इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोध में बोलना, अभी ज्वालामुखी की तरह वह फूटेगा, बोल पड़ेगा, अपना गुस्सा अपना क्रोध व्यक्त कर देगा, विस्फोट होगा। आंखें उठाकर जगदीश बाबू ने मदन के चेहरे पर देखा, उसे लगा कि अभी ये फूट पड़ेगा, क्रोधी हो जाएगा। दिन भी हुआ है, देखिए उसके चेहरे पर से जगदीश बाबू ने अनुमान लगाया सही था कि अभी ये फूटेगा, ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दूसरी बार पूछा, पहली बार तो कहा था क्या नाम है तुम्हारा लड़के, तो दूसरी बार पूछा आग्रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा, दूसरी बार पूछा। जगदीश बाबू जानते हैं कि
कि यह ज्वालामुखी अब फूटेगा, तो क्या कहा उसके जवाब में मदन ने, देखिए अंडरलाइन कीजिए, उसने बहुत अच्छी बात कही। बॉय कहते हैं साहब मुझे इतना सा कहा कि यहां सब बॉय कहते हैं सब मुझे यहां सब बॉय कहकर पुकारते हैं, यही मेरा नाम है, यही मेरी पहचान है। अब वह संबंध जोड़ना नहीं चाहता, एक बार अनुभव कर चुका है, गहरी चोट लगी है बाल मन को, ये आघात ये चोट वह भूल नहीं पाता। अब उसने तय कर लिया, उसने मन के साथ समाधान कर लिया, किसी के साथ अब संबंध नहीं जोड़ते, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, उनकी प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का अर्थ उसे मालूम नहीं है, लेकिन वह समझ गया है कि ये पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय, उनके संस्कार उसे ये अच्छा नहीं लगता दूसरों के सामने, मैं दाजू का बड़े भैया को मुझे ठीक नहीं लगता, ऐसे लोगों तो ठीक नहीं लगता, इसलिए उनके साथ संबंध नहीं जोड़ना, संबंध जोड़ने से दुखमीता, इसलिए संबंध ही नहीं जोड़ना, ये नया है वन, फिर भी उनके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ना। वह पहचान गया है कि ये भी पहाड़िया है वह बोलन, लेकिन अब संबंध जोड़ने की तैयारी नहीं है मदन, दुखी है। तो इतना सा कहा कि बॉय कहते हैं साहब मुझे, इतना संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया, चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। मैंने कहा कोई आवेश में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, बहुत लज्जित हो जाता है, तो चेहरा लाल हो जाता है, तो ये आवेश में आ गया थोड़ा, और आवेश के कारण उनका चेहरा अधिक लाल हो गया, लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। एक तो वह गोरा है, और गोरा जो है वह आवेश में आ जाता है तो लाल हो गया, चेहरा लाल हो गया तो अधिक सुंदर दिखाई देता, उसका स्वाभिमान झलक रहा है उसके चेहरे पर, कि भी जैसा भी गरीब अनपढ़ छोटा है, लेकिन मेरा भी आत्मगौरव है, मेरा भी स्वाभिमान। उसने तय कर लिया कि बार बार ऐसे अपमानित अब नहीं होना, संबंध जोड़े तो ही अपमान मिलेगा ना, संबंध ही नहीं जोड़ेंगे। उसने साफ बता दिया कि आप ही मुझे बॉय कहकर पुकार, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरे गांव का नाम क्या है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना चाहता है, ये अपनी व्यथा है, ये बाल मन की ये पीड़ा है। इस छोटे से उत्तर में सब कुछ उसने बता दिया। जगदीश बाबू ये सब कुछ समझ गए, उसे ख्याल आ गया कि ये ज्वालामुखी फटा है, ये उसका क्रोध है, उसका गुस्सा है। हेमंत नहीं समझ पाए, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं है कि क्या बात है, लेकिन ये चोट कर गया छोटा सा लड़का, बहुत ही अच्छा जवाब देकर गया है जगदीश बाबू के मुख पर। उसने कह दिया कि मुझे कोई संबंध अब नहीं जोड़ना, तुम जैसे पढ़े लिखों के साथ जो साफ सुथरे हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो ऐसे लोगों से मुझे कोई संबंध नहीं रखना। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बाल मन पर जो चोट लगी उसकी कहानी थी। अब देखिए इसके प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पहले बताया था, ये आपको तीनों प्रश्न आपकी फेयर बुक में कर ले, तो ये प्रश्नों के उत्तर वहां लिख लेने। और एक बात कि टाइटल पर आपको ये लिखना चाहिए कि लेसन नंबर 15 दाजू साहित्य स्वरूप कहानी, उसके लेखक का नाम शेखर जोशी और संदर्भ दाजू कहानी संदर्भ, इतना आपको अपनी बुक में फेयर बुक में पहले लिख लेना चाहिए, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने ये अवश्य करना चाहिए, हर एक लेसन के ऊपर ये जरूरी है। ओके, धन्यवाद।